दिल्ली के कोचिंग सेंटर में छात्राओं की मौत के बाद अग्निशमन अधिकारी के शहर के कोचिंग सेंटरों का सर्वे करना शुरू कर दिया है। जिला अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने सहस्त्रधारा रोड स्थित दो कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया। इसमें एक कोचिंग सेंटर में बेसमेंट और अग्निशमन यंत्र पर्याप्त मात्रा में मिले, जबकि दूसरे में यह बात सामने आई है कि बेसमेंट में होटल है और ऊपर कोचिंग सेंटर चल रहा है। बताया जा रहा है कि होटल संचालक ने इमरजेंसी में निकलने का रास्ता बंद कर रखा है। कोचिंग सेंटर ने इसकी शिकायत SSP से की है। जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि होटल संचालक को रास्ता खोलने के लिए कहा गया है। देख रहे थे कि अभी एक कोचिंग सेंटर में हमारे डिपार्टमेंट से अभी NOC भी नहीं है और उसमें अग्निशमन उपकरण नहीं है, उनको हमारी तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा और जो बाकी हमारी जो टीम होगी, टीम का जो एक्शन होगा उसके अनुसार ही कार्रवाई। अभी कल मौसम ज़्यादा खराब था, ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाया, 3 या 4 मैंने किए हैं। बाकी आज मेरा प्लान है कि मैं मैक्सिमम कोचिंग सेंटर में जाऊँ और उनको सलाह दूं कैसे बचाव करना है किसी अग्नि दुर्घटना से या पानी भरने से या भूकंप आने से, जितनी भी आपदाएं हैं। अगर कहीं बिल्डिंग में हमारी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और बिल्डिंग हमारी बहुत कमज़ोर है तो भूकंप में बिल्डिंग भी गिर सकती है। फायर डिपार्टमेंट जो है खाली आग ही नहीं देखता, जितने भी डिजास्टर हैं सब पे कार्रवाई करता है और उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है।